हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज स्टार्ट हुई है उसके आज हम तीन नए टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तीन टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है लाइफ इनिशिएटिव, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। दूसरा टॉपिक है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तीसरा टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। आज हम इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या है और क्या इनका कॉन्टेक्स्ट है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अभी हाल ही में COP 27 आयोजित हुई है इजिप्ट में, तो वहाँ पे जो इंडिया पेवेलियन लगा हुआ था उसकी जो थीम थी वो लाइफ इनिशिएटिव के ऊपर ही बेस थी। जैसा कि आप इस के अंदर देख रहे हैं, ये थीम के अंदर कि ये थीम रही थी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका जो इनिशिएशन था वो ग्लासगो 2021 में जो COP 26 हुई थी वहाँ पर इंडिया द्वारा ये आइडिया दिया गया था लाइफ का। ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये ऐसे आइडियाज़, ऐसे सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है, जिनसे एज एन इंडिविजुअल हम क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयर हों और हम उसके लिए प्रयासरत रहें कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। ऐसे छोटी छोटी बिहेवियरल, जैसे छोटी छोटी आदतें, जैसे कि रूम से बाहर जाते टाइम लाइट बंद करनी है, प्राइवेट व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना है, तो ऐसे सेट ऑफ बिहेवियर्स लाइफ के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये आइडिया प्रमोट करता है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, जिसका फोकस रहेगा माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजप्शन, दिमाग से और डेलिब्रेट कंजप्शन हो। जैसे वाटर रिसोर्स है, वाटर की स्केसिटी ऑलरेडी चल रही है, तो वाटर को भी माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन हम करें। मिशन लाइफ है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, पूरे वर्ल्ड को हेल्प करेगा। किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ है, उसको लीड करने में आसानी होगी। और इसका जो फाइनल जो गोल है वो क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो लाइफ की क्या जरूरत पड़ गई? लाइफ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के टाइम पे प्रेजेंट जो वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो वो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस से जूझ रहा है। ये क्या क्या है? एक तो क्लाइमेट चेंज, एक पॉल्यूशन, एक बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हैंडल करने के लिए ऐसे बिहेवियर, ऐसे सेट ऑफ आइडियाज की जरूरत है जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। दूसरा, जो 2/3 ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन से होता है और लाइफस्टाइल से होता है। तो अगर हम इसमें सुधार कर लेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज है उस पर अपने आप पकड़ आ जाएगी। तीसरी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका गोल नंबर जो 12 है वो क्या कहता है कि सस्टेनेबल कंजप्शन हो और साथ में ही प्रोडक्शन पैटर्न है वो दोनों, कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न है वो दोनों सस्टेनेबल हो। इसलिए लाइफ इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे कि लाइफ इनिशिएटिव कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया के द्वारा। और ये आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ साफ साफ कि पीएम मोदी पिक्स फॉर वन वर्ल्ड मोमेंट लाइफ एट COP 26 समिट। ये एक मास मोमेंट है इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल के लिए। इसका मेन जो एम्फेसिस है वो रहेगा एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि लाइफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऐसे सोशल नेटवर्क्स को लेवरेज करें ताकि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे छोटी छोटी आदतें, जैसे अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो उसके अंदर खाना है उसकी वेस्टेज बहुत होती है, तो उस वेस्टेज को रोक के भी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भागीदारी बन सकते हैं क्लाइमेट चेंज में भी। ठीक है, दूसरा क्या है? ये P3 मॉडल के ऊपर, इसकी जो स्प्रिट है वो P3 मॉडल पे बेस्ड है, प्रो प्लेनेट पीपल। ओके, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट, कि लाइफस्टाइल है वो प्लेनेट के लिए ही हो, प्लेनेट को बचाने के लिए ही हो और प्लेनेट के लोगों के द्वारा ही हो। इसके लिए 3-पॉइंट स्ट्रेटेजी भी है। क्या है?
ये थ्री पॉइंट स्ट्रेटेजी ये डिमांड साइड में है, एक तो पहला पॉइंट डिमांड साइड, फिर सप्लाई साइड और फिर पॉलिसी वाइज, ये थ्री पॉइंट स्ट्रेटेजी है इसकी। डिमांड वाइज देखें तो कि एज एन इंडिविजुअल हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं, पहला ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस डेली लाइफ के अंदर हम यूज में ले सकें। दूसरा है सप्लाई साइड, जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तीसरा पॉलिसी वाइज, तो जो गवर्नमेंट है और साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो ऐसी हो कि सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। जैसे अगर कोई कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, अगर कोई कार्बन एमिशन कम कर रहा है उसमें रिडक्शन कर रहा है तो उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये थ्री पॉइंट स्ट्रेटेजी है वो मिशन लाइफ की है। इसमें एक 21 चैलेंज प्लेस भी है, आप जाके ले सकते हैं। जैसे ऐसे जनरली कहा जाता है कि 21 दिन के अंदर कोई भी एक आदत है वो बनाई जा सकती है। तो 21 दिन के अंदर अगर हम सोचें कि रूम से बाहर अगर जाएंगे तो लाइट बंद करके जाएंगे, तो 21 दिन तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो अपने हमारे हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। अब साथ में इसमें एक टर्म आती है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुट WHO के अकॉर्डिंग कार्बन फुटप्रिंट एक मेजर है, किसको मेजर करने का, टू इम्पेक्ट द पीपल्स एक्टिविटीज ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ वेट ऑफ CO2 एमिशन प्रोडक्शन। कि एज एन इंडिविजुअल हम कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कार्बन एमिशन कर रहा है। जैसे अभी लाइट जल रही है यहाँ पे, तो इससे भी कार्बन का एमिशन हो रहा है। जो हम पढ़ने के लिए पेपर यूज़ करते हैं उसमें भी कार्बन का एमिशन होता है, जहाँ पे फैक्ट्री में बनती है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ भी आती है, ठीक है। तो ये सब जितना टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा वही उसका कार्बन फुटप्रिंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं उनको देखते हैं हम एक एक करके। पहला है फॉरेस्ट कवर। तो अभी जो 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके तहत इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% हो गया है, कुछ परसेंटेज बढ़ा है। साथ में ही लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, राइनोज, इन सब की पॉपुलेशन भी बढ़ी है। दूसरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इंडिया का जो टारगेट था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो 40% है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से होनी चाहिए। तो वो टारगेट हमने, जो शेड्यूल्ड टारगेट था कि इस साल तक होना है, उससे 9 साल पहले ही हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। अभी तक हमने 2022 तक जो टारगेट था कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पेट्रोल के अंदर अचीव करना है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 20% ब्लेंडिंग। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। हमारे जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी है, 150 गीगावाट, जिसके अंदर सोलर है वो 48.5 गीगावाट, विंड है वो 40.03 गीगावाट, और जो हाइड्रो पावर है 4.83, बायो पावर है 10.62, लार्ज हाइड्रो है वो 46.5, ओके। और इसके अलावा भी कई सारे मिशन स्कीम्स ऐसी चलाई जा रही हैं, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान। तो ये सारे इंडिया के अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा जो अभी हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आई है, उसके अंदर इंडिया की जो है विंड पावर में 3rd रैंक है, सोलर पावर में 4th रैंक है, और जो रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2021 में उसके अंदर ओवरऑल 3rd रैंक है पूरे विश्व में। तो ये इंडिया के अचीवमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये जैसा कि हेडिंग में दिख रहा है, COP27 के अंदर इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू ट्रांजिशन टू ए लो एमिशन पाथवे इन्वॉल्विंग मोर न्यूक्लियर पावर, मोर इथेनॉल।
तो कॉप 27 हुई थी, उसके अंदर सभी कंट्रीज़ को ये ऐसे टारगेट देने थे कि नेट ज़ीरो कब तक अचीव करेंगे वो, ओके। तो उसके अंदर इंडिया ने अपनी नेट ज़ीरो पॉलिसी अभी उसके 7 पिलर ऐसे दिए हैं, साथ में ही अभी तक सिर्फ 57 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। 2015 की जो कॉप थी, कॉप 21 पेरिस वाली, उसके अंदर ये कहा गया था कि 2022 तक हर मेंबर कंट्री को ऐसे ये लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो अपनी कंट्री की सबमिट करवानी होगी। तो अभी तक 57 कंट्रीज़ ने ही सबमिट करवाई है, जिसमें से इंडिया एक है, अभी हाल ही कॉप 27 के अंदर सबमिट करवाई है। कॉप 26 की बात करें तो एक बार कि कॉप 26 में इंडिया ऑलरेडी पंचामृत करके 5 जो टारगेट्स हैं वो दे चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। पहला टारगेट है कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2030 तक 500 गीगावाट रीच करनी है, साथ में ही 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होनी है 2030 तक, 1 बिलियन कार्बन एमिशन कम करना है 2030 तक, कार्बन जो इंटेंसिटी है वो भी 45% तक कम करनी है 2030 तक, और नेट ज़ीरो का टारगेट 2070 तक अचीव करना है। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन का रिडक्शन बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे, नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन का इमिशन हो रहा है उतना ही कार्बन को अब्जॉर्ब किया जा सके, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में हो, बैलेंस किया जा सके दोनों को, तो वो नेट ज़ीरो। कब तक का टारगेट है? 2070 तक का। इस LTLED स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए 7 की पिलर्स इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से पहला है लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विथ डेवलपमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम बना रहे हैं वो लो कार्बन वाले हों, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेटेड एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पेट्रोल डीजल इससे जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है वो भी एफिशिएंट हो और लो कार्बन एमिशन वाले हों। नेक्स्ट एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ावा। नेक्स्ट डीकपलिंग ग्रोथ फ्रॉम एमिशन एंड डेवलपमेंट, डेवलपिंग एन एफिशिएंट लो एमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम, हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम भी ऐसा हो कि वो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन कर सके, नई टेक्नोलॉजी है वो यूज़ में ली जाए। नेक्स्ट है CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, CO2 को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे उसको ऑब्जॉर्व किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन का, नेक्स्ट यही है कि फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाया जाए। और फिर लास्ट है इंक्रीजिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन पॉवर्टी इरिडिगेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो ये 7 पिलर की स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंडिया ने नेट जीरो की जो पॉलिसी दी है उसके क्या क्या माइलस्टोन्स हैं। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल अचीव होने का टारगेट दिया है, तो नेट जीरो टारगेट हमने देख ही लिया कि नेट जीरो क्या है, कि कार्बन एमिशन जितना हो रहा है उतना हम उसको बैलेंस कर सकें। कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो का मतलब है कार्बन न्यूट्रलिटी विच डज नॉट मीन दैट ए कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन जीरो, जीरो नहीं लाना है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, इन विच ए कंट्रीज एमिशंस आर कंपनसेटेड बाई अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर, कि जितना एमिशन हो रहा है उतना ही हम एटमोसफेयर से रिमूव कर सकें। अब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशंस कैन बी इंक्रीज बाई क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगा के हम ये जो एमिशन है उसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। वाइल द रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर रिक्वायर्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो ज़रूरी है, उसके बिना कार्बन को ऑब्जॉर्व करना मुश्किल हो जाएगा। 70 कंट्रीज से भी ज़्यादा उन्होंने नेट जीरो का टारगेट लिया 2050 तक, जबकि इंडिया का टारगेट है वो कितना है 2070 तक। हाँ ये रहा नेट जीरो बाई 2070 एट कॉप 26। तो इंडियाज़ रोड टू नेट जीरो, ये जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव एट कॉप 26 सबमिट इन इजिप्ट, इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ है, इसका एम है टू मेक इंडिया ए ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है। दूसरा है एटलीस्ट 3-fold इंक्रीज इन न्यूक्लियर कैपेसिटी बाई 2032, बाकी कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है उसको कम करने की तरफ दे रहे हैं और इंडिया है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ा रहा है 3-fold।
अचीविंग ए इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% बाई 2025 तक जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 20% तक इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लिया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दो। इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोड्यूस बाई डेवलप्ड नेशन, जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो फाइनेंस है, जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है उसकी बात करिए। और नेक्स्ट लास्ट है द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एम्स एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, एम्बिशियसली 1.5 डिग्री सेल्सियस बाई सेंचुरी एंड, कि 2 डिग्री तक तो करना ही करना है और अगर हो सका तो 1.5 डिग्री तक ही जो ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर आई जाए उसको रोक लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये कई बार आ गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन है वो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस एक टर्म है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए। तो इसमें कार्बन जो एमिशन है वो लगभग 0 के बराबर, सोलर से, विंड से, इन सब से लो कार्बन फुटप्रिंट होगा इसका। इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रोजन और वाटर के अंदर स्प्लिट हो जाती है और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग कोई नई टर्म नहीं है, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में भी रही है। और इसका जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वो भी 1986 में जे वेस्ट वर्ल्ड इसने यूज़ किया था। ये एक अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रिसर्चर है और अभी हाल ही में COP27 हुई है, वहाँ भी इंडस्ट्रीज़ को लेके रेड फ्लैग्स दिखाए गए हैं कि वो ग्रीन वॉशिंग की आड़ में क्लाइमेट चेंज है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ग्रीन वॉशिंग है क्या? ग्रीन वॉशिंग ऐसी टैक्टिक्स हैं, ऐसी स्ट्रेटजी हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मान लो, चाहे वो प्रोडक्ट मान लो, जो कंपनीज़ फर्म्स यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इन्वायरमेंट फ्रेंडली दिखाने के लिए, जबकि वो एक्चुअली में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती नहीं है। ओके, ग्रीन वॉशिंग इज़ द प्रैक्टिस इन विच फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स मार्क ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एज क्लाइमेट फ्रेंडली एज समथिंग दैट वुड लीड टू इमिशन रिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ इमिशंस। ज़्यादातर इनमें से अनवेरीफाइबल होती हैं और मिसलीडिंग होती हैं। ये सिर्फ कंज्यूमर्स को मिसलीड करने के लिए होती हैं। इससे क्या होता है, इनका जो प्रॉफिट मोटिव है वो पूरा हो ही जाता है, इन्वायरमेंट की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। इससे क्या होता है, जो एंटिटी की इमेज है वो तो बूस्ट होती है, दे डू नथिंग टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, बस इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। ये आप यहाँ पे देखो पिक्चर में कि एक्चुअल के अंदर तो ये होती है जो फॉर्म हो उसकी, लेकिन ये ऐसे पेंट कर करके और कंज्यूमर को दिखाने के लिए ऐसे ग्रीन 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 कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जबकि एक्चुअल में क्या है, एकदम रेड, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कोका कोला, वॉक्सवैगन का आपने सुना होगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे कि एक डीजल इंजन जब बनता था तो उसके एमिशन टेस्टिंग होती है कि वो कितना सल्फर एमिट कर रहा है, कितना कार्बन एमिट कर रहा है। तो वॉक्सवैगन वाले ऐसी डिवाइस लेके आए जिससे जब टेस्टिंग होती थी उस टाइम पे वो बहुत कम कार्बन एमिशन दिखाए। ठीक है, थोड़े टाइम तक चलता गया लेकिन बाद में ये 2015 के आसपास पकड़ में आ गया। तो उसके बाद ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये तो है कि क्लीन अप करो वॉक्सवैगन को जब वो पकड़ में आ गया था, बाद में आया तो वी आर सॉरी दैट वी गॉट कॉट, ये वॉक्सवैगन का ही है। कोका कोला है, कोका कोला को अभी 2027 के अंदर ही, ये देखिए यहाँ पिक्चर में COP27 क्लाइमेट समिट्स स्पॉन्सरशिप बाई कोका कोला कंडेम्ड एज ग्रीन वॉश। तो कोका कोला ने क्या किया कि ऐसा अपने जो कोका कोला का जो ब्रांड है, ड्रिंक है, उसके ऊपर ये लिखा कि जो इनका जो प्रोडक्ट है वो 25% कम प्लास्टिक है वो एमिट करेगा, प्लास्टिक फ्रेंडली है। लेकिन जब रिसर्च में पाया गया तो ये पाया गया कि कोका कोला है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट है वो है कंपनी। उन्होंने इस बात को छुपा के ये बता दिया ताकि यूजर्स हैं वो भ्रमित हो जाएं कि अच्छा ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 25% कम प्लास्टिक वेस्ट कर रहा है। ओके, जैसे वॉक्सवैगन है, ऑयल गाइंट्स हैं जैसे सेल, बीपी, कोका कोला, ये सब अक्यूज हैं किसकी, ग्रीन वॉशिंग की। ग्रीन वॉशिंग है वो एक फॉल्स पिक्चर प्रोग्रेस की है वो प्रेजेंट करता है क्लाइमेट चेंज फ्रंट पे, पुशिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स डिजास्टर,
जैसे ये प्लास्टिक हैं तो ये जब ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे होके पानी के अंदर मिलके समुद्र में भी जाते हैं, सोयल के अंदर भी जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते ही करते हैं, जबकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये शो नहीं करती। नेक्स्ट, ग्रीनिंग डेंजरस प्रोडक्ट्स टू मेक देम सीम सेफ, जैसे इको फ्रेंडली सिगरेट्स हैं। अब नाम तो इसका ऐसे बता दिया कि इको फ्रेंडली सिगरेट है, लेकिन सिगरेट से नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें बाकी प्रोडक्ट्स मिला के ये इको फ्रेंडली तो रहेगी नहीं, लेकिन अगर कंज्यूमर को ये दिखेगा कि हाँ ये इको फ्रेंडली है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आउट ऑफ कॉमन मैंस अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल व्यक्ति के तो समझ में ही नहीं आता, हम ध्यान ही नहीं देते कि इको फ्रेंडली है कि नहीं है। लेकिन ये चलन में क्यों चल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो वो बिना वेरीफाई किए ही उनके ऊपर लेबल डाल देते हैं। कोई प्रूफ नहीं है क्लेम का, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है कंपनीज की कि अगर वो अक्यूज्ड भी हो जाती हैं तो कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आगे इसका ध्यान रखेंगे, आगे प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली बनाएंगे, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ कंपनीज, हम कंपनीज के बिहेवियर के ऊपर भरोसा नहीं करने के बजाय आजकल ऑनलाइन सर्च इंजन्स जैसे प्रोजेक्ट सीसी और इथिकल मेडिजी, ये ऐसे सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हैं, जिससे ये पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल ब्रांड्स हैं, जिससे कंज्यूमर्स को आसानी हो। तो आज हमने देखा, तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा हमने, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, पहला हमने पढ़ा एक ग्रीन वॉशिंग के बारे में हमने पढ़ा, एक लॉन्ग टर्म लो इमिशन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हमने पढ़ा, एक लाइफ इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।